एसआई यूनिट के इस नेक्स्ट सेशन में आपका सभी का स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हम लोग यूनिट के बारे में पढ़े थे और उसमें भी पर्टिकुलर एसआई यूनिट के बारे में पढ़े थे। और एसआई यूनिट में हम लोग बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी में निकालना था, जिसमें हम लोग दो एसआई यूनिट निकाले थे, एरिया का और वॉल्यूम का। तो इस क्लास में हम लोग और भी डिराइव क्वांटिटी का यूनिट निकालेंगे कि किसका एसआई यूनिट क्या होता है, किस तरह से हम उसको निकाल सकते हैं। सो आगे हम लोग शुरू करते हैं। सो एरिया और वॉल्यूम दो का निकाले थे, आज हम लोग निकालेंगे डेंसिटी का। सो थर्ड है एसआई यूनिट हमें निकालना है डेंसिटी का। सो डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सो अगर इसको सिंबल के टर्म में लिखेंगे तो डेंसिटी का सिंबल होता है रो, मास का सिंबल होता है एम और वॉल्यूम का सिंबल होता है भी। तो अगर कोई ऐसे सब्सटेंस है, मान लीजिए कोई बॉडी है, ऐसे कोई भी एक बॉडी मान लीजिए, और इस बॉडी का अगर मास मेजर किए तो मास पता चला इसका, मान लीजिए कि मास है एम, और टोटल इसने वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई करके रखा है वो वॉल्यूम है इसका भी। सो अगर हमें इसका मास पता है, इसका वॉल्यूम पता है, सो मास और वॉल्यूम का यदि हम लोग रेशियो ले लेंगे, मतलब मास में अगर वॉल्यूम से अगर डिवाइड कर देंगे तो क्वांटिटी जो मिलेगा उसी को बोला जाता है डेंसिटी। सो डेंसिटी का डिफिनेशन है कि डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम। सो रो इज इक्वल टू एम बाई वी। सो अभी हम लोग को निकालना है एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी। सो अगर हम लोग एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी इज इक्वल टू, अगर हमें इसका एसआई यूनिट निकालना है सो क्या मेथड है, तो मास का एसआई यूनिट और वॉल्यूम का एसआई यूनिट हमें पुट करना पड़ेगा, और उसी को सिंप्लीफाई करने के बाद जो आएगा वो आपका बन जाएगा एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी। सो मास का क्या एसआई यूनिट होगा, सो मास का एसआई यूनिट होगा केजी। लास्ट क्लास में देखे थे कि 7 बेसिक क्वांटिटी होते हैं, लेंथ होता है, मास होता है, टाइम होता है, और इसके अलावा 4 और होता है, तो 4 और भी हैं। सो मास लेंथ का जो एसआई यूनिट होता है वो मीटर होता है, रिप्रेजेंट करते हैं एम से। मास का जो एसआई यूनिट होता है वो किलोग्राम होता है, रिप्रेजेंट करते हैं केजी से, और टाइम का एसआई यूनिट होता है सेकेंड, रिप्रेजेंट करते हैं एस से। सो वॉल्यूम का लास्ट क्लास में देखिएगा कि वॉल्यूम का जो निकाले थे, सो वॉल्यूम हम लोग लेके चले थे क्यूबॉइड का, सो उसका फार्मूला आया था एल इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और लेंथ का एसआई यूनिट आया था मीटर होता है, ब्रेथ जो होता है वो भी लेंथ होता है सो मीटर, एंड हाइट जो है वो भी मीटर क्योंकि वो भी लेंथ है। सो वॉल्यूम का एसआई यूनिट आया था मीटर क्यूब। सो इसको अगर पुट कर देंगे सो ये आ जाएगा केजी, और वॉल्यूम का एसआई यूनिट आ जाएगा मीटर क्यूब। सो ये आ जाएगा आपका केजी और पर मीटर क्यूब, ऐसे केजी पर मीटर क्यूब लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली इसको ऊपर ले जाइएगा सो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं केजी एंड मीटर टू द पावर -3। केजी और मीटर का पावर यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में जब था तो पावर 3 था, ऊपर जब चला गया तो -3 हो जाएगा। सो एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी इज केजी पर मीटर क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, बोथ आर सेम। तो एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी आ गया केजी पर मीटर क्यूब, ये समझ के होंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एसआई यूनिट निकालेंगे स्पीड का।
सो नेक्स्ट है स्पीड, सो स्पीड का जो डिफिनेशन होता है वो होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड का सिंबल होता है वी, डिस्टेंस का सिंबल एस और टाइम का सिंबल टी। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, इसका मतलब हो जाता है कि अगर कोई भी पार्टिकल मान लीजिए पॉइंट ए पर है और उसे पॉइंट बी पर जाना है, सो जितना वो पाथ इस तरह से मान लीजिए उसका रास्ता हो गया ऐसे जाने का, सो ये जो रास्ता उसने तय किया ए से लेकर बी तक जाने में, ये टोटल उस रास्ता जो चला है तो ये रास्ते का जो लंबाई है इसी को बोलते हैं डिस्टेंस। सो ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस। और जब ए से बी तक गया तो जाने में उसको टाइम भी लगा होगा, वो टाइम मान लीजिए है टी। सो एस और टी इन दोनों का जो रेशियो आएगा उसी को बोलते हैं स्पीड। सो स्पीड जो होगा ये जो होगा ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर वो एस है, सो स्पीड इज इक्वल टू एस बाय टी। सो यहाँ पास अगर हम लोग स्पीड का एसआई यूनिट निकालेंगे, सो एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस का क्या होगा एसआई में, तो डिस्टेंस क्या होगा, तो लेंथ सात को जो बेसिक क्वांटिटी है एसआई यूनिट में, लेंथ मास टाइम करंट आपका टेम्परेचर लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये जो सात को बेसिक क्वांटिटी है उसमें से अगर देखिएगा डिस्टेंस के बारे में, तो डिस्टेंस में क्या है, तो डिस्टेंस एक तरह का लेंथ ही है, क्योंकि डिस्टेंस में यहाँ से लेकर आप दूरी माप रहे हैं मतलब आप लेंथ माप रहे हैं। सो डिस्टेंस का एसआई यूनिट हो जाएगा मीटर और टाइम का जो होगा वो टाइम का एसआई यूनिट हो जाएगा सेकेंड। सो डिस्टेंस का एसआई यूनिट चूँकि लेंथ है इसलिए मीटर और टाइम का सेकेंड, सो एसआई यूनिट आ जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, सो मीटर पर सेकेंड ऐसे या फिर ऐसे। सो मीटर पर सेकेंड इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। सो इसे आप समझ गए होंगे। सो स्पीड इज इक्वल टू फार्मूला डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस का सिंबल एस, टाइम का सिंबल टी, स्पीड का सिंबल वी, सो वी इज इक्वल टू एस बाई टी और डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर, टाइम का सेकेंड, सो स्पीड का एसआई यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। इसके बाद हम लोग एसआई यूनिट निकालेंगे वेलोसिटी का। सो नेक्स्ट इज वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। सो वेलोसिटी का सिंबल वी होता है, डिस्प्लेसमेंट का सिंबल डी होता है या एस होता है, वो डी या एस किसी से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो मान लीजिए हम यहाँ पास डी लिखे एंड टाइम का सिंबल लिख लिए टी। सो डिस वेलोसिटी इज इक्वल टू डी बाई टी। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो दो पॉइंट के बीच सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो अगर ग्राफ में आप समझना चाहिए तो अगर ये देखिएगा, अगर पार्टिकल ए से लेकर बी तक जाने में अगर ये रास्ता लिया है तो ये रास्ता को हम लोग डिस्टेंस बोले हैं, जबकि अगर वह ए से लेकर बी तक सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा,
स्ट्रेट लाइन जो होगा, इन दोनों पॉइंट को आप स्ट्रेट लाइन से मिला लीजिए, सो ये जो स्ट्रेट लाइन होगा, ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वह सबसे छोटा डिस्टेंस होगा इनके बीच, सबसे मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा। और ये जो डिस्टेंस हो जाएगा सबसे छोटा डिस्टेंस, और सबसे छोटा डिस्टेंस को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। सो ए और बी के बीच जो डिस्प्लेसमेंट होगा, और ये जो डॉटेड लाइन से जो दिखाए हैं, ये डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है वो है डिस्प्लेसमेंट, और ये जो कंप्लीट लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है वो है डिस्टेंस। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट इज डी एंड टाइम, मान लीजिए ए से लेकर बी तक जाने में टाइम लगा है टी, सो टाइम इज इक्वल टू टी। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, हालांकि आप यहाँ पास यूनिट के, हमें एसआई यूनिट के रिस्पेक्ट में केवल सोचना है, दोनों क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में सोचिएगा, तो एक उसमें से एक स्केलर होता है, एक वेक्टर होता है, वेलोसिटी का अपना डायरेक्शन होता है, जबकि जो इसके पहले जो स्पीड लिखे थे उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो स्केलर वेक्टर के रूप में दोनों अलग क्वांटिटी है, लेकिन हमें स्केलर वेक्टर से यहाँ मतलब नहीं है, हमें मतलब है केवल इसके यूनिट से। सो अगर यहाँ पास इसका हम लोग एसआई यूनिट निकालें, एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट क्या लिख सकते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का आप एक तरह से आप लेंथ ही मापे हैं, ए से लेकर बी तक का लेंथ, शॉर्टेस्ट लेंथ, तो ये लेंथ है, इसलिए इसका एसआई यूनिट जो होगा वो मीटर ही होगा। सो मीटर, और टाइम का एसआई यूनिट क्या होगा, सेकेंड, सो इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। सो वेलोसिटी का एसआई यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड, और स्पीड का भी एसआई यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। यूनिट के रिस्पेक्ट से स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ आर सेम, बट क्वांटिटी जो है दोनों वो अलग क्वांटिटी है, स्पीड अलग क्वांटिटी है, वेलोसिटी अलग क्वांटिटी है, बट दोनों का अगर हम एसआई यूनिट निकालें तो सेम होगा मीटर पर सेकेंड। सो ये हम लोग का नेक्स्ट यूनिट था, इसके बाद हम लोग निकालेंगे एक्सीलरेशन का एसआई यूनिट। सो नेक्स्ट एसआई यूनिट जिसे हमें निकालना है वह है एक्सीलरेशन। सो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, सिंबल में लिखे, सो ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाय टी। सो ये फार्मूला एक्सीलरेशन का यूज किया जाता है, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाय टी, जहाँ पास यू और वी क्या है, तो मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन पाथ है, और यहाँ पास कोई पार्टिकल जो है वह एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर रहा है, तो पार्टिकल मान लीजिए अभी इस जगह पर था और ये आगे जा रहा है इस डायरेक्शन में, सो अभी इसका जो स्पीड होगा शुरुआत में, तो शुरुआत का जो स्पीड होगा उसे मान लिया जाता है u, और मान लेते हैं कि पार्टिकल अभी ए पॉइंट पर था, और कुछ देर के बाद ये पार्टिकल यहाँ पास पहुँच गया, कौन से पॉइंट, कोई दूसरा अनदर पॉइंट होगा उसको मान लेते हैं बी, तो पार्टिकल बी पॉइंट पर पहुंच गया और वहाँ पास उसका स्पीड हो गया वी। सो पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वह चेंज हो जाएगा, पहले से वेलोसिटी था यू, अब बाद में वेलोसिटी हो गया वी, ए से लेकर बी तक जब गया, और जब ए से लेकर बी तक गया तो ए से लेकर बी तक जाने में कुछ टाइम भी लगा होगा, तो उस टाइम को मान लेते हैं टी। सो
पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी कितना था यू, पार्टिकल का फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया वी, ये शुरुआत का वेलोसिटी था, बाद का वेलोसिटी होगा, तो शुरुआत का वेलोसिटी को बोलेंगे यू और बाद के वेलोसिटी को बोलेंगे वी। सो वेलोसिटी चेंज हो जाए, चेंज हो गया यहाँ यू से वी हो गया, तो अगर हम यहाँ चेंज निकालेंगे, सो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अगर निकालेंगे कि वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, सो क्या करेंगे, सो फाइनल में से इनिशियल को घटा देंगे, सो फाइनल वेलोसिटी है वी माइनस इनिशियल वेलोसिटी है यू, सो वी माइनस यू डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा टी। सो एक्सीलरेशन का डिफिनीशन क्या है, तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, जिसको डिफिनीशन में ऐसे पढ़ते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, दिस इज द डिफिनीशन ऑफ एक्सीलरेशन। और जब इसको लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, तो यहाँ चेंज इन वेलोसिटी जो आएगा वो आएगा वी माइनस यू डिवाइडेड बाय ए से लेकर बी तक जाने में जो टाइम लगा वो टाइम लगा टी। सो ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाय टी, यहाँ पर हमें एसआई यूनिट निकालना है, सो एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, सो एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को हमने घटाया है, सो चेंज निकालना है, सो फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी अगर घटाइएगा सो यहाँ पास वेलोसिटी ही आएगा, इसलिए ऊपर वाले टर्म का एसआई क्या आ जाएगा मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है टाइम है, तो टाइम का एसआई क्या होगा सेकेंड। एक बार फिर से सुनिए, सो ऊपर वाला टर्म है वी माइनस यू डेट इज चेंज इन वेलोसिटी, सो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी का ऐसा इन मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी का ऐसा मीटर पर सेकेंड। सो अगर फाइनल वेलोसिटी में इस इनिशियल वेलोसिटी घटाइएगा सो वेलोसिटी मिलेगा, सो उसका ऐसा इन मीटर पर सेकेंड होगा डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम का सेकेंड, सो इस तरह से हमें मिलेगा मीटर पर सेकेंड, पहले से था इस सेकेंड को ऊपर ले जाइए, सो इसका पावर हो जाएगा कितना माइनस वन, पहले प्लस वन था ऊपर जाके माइनस वन, सो ये आ जाएगा मीटर और सेकेंड का पावर माइनस वन और माइनस वन, बेस दोनों का सेम है सो पावर को ऐड कर देंगे माइनस वन प्लस माइनस वन, हमने दोनों पावर को ऐड कर दिया, सो क्या आ जाएगा वो मीटर और सेकेंड के पावर माइनस वन है और प्लस माइनस मिलकर माइनस वन हो गया, यहाँ पास माइनस वन वन माइनस वन, ये दोनों को ऐड कीजिएगा ये आ जाएगा माइनस टू। सो ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। सो ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, नेक्स्ट हम लोग निकालते हैं ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, सो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स हम लोग निकालेंगे अब, सो सेवन नंबर में निकालेंगे फोर्स, सो फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स। सो रिप्रेजेंट इसको कैसे करते हैं, सो फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, मास को रिप्रेजेंट करते हैं एम से, और एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, सो एफ इज इक्वल टू एम ए, बहुत से आप फेमस फार्मूला है न्यूटन सेकेंड लॉ का, सो एफ इज इक्वल टू एम ए, सो इस फार्मूला के हेल्प से हम फोर्स का एसआई यूनिट निकालेंगे। सो यहाँ पास ये फोर्स को किस तरह से डिफाइन किया जाता है, यदि मान लीजिए कोई बॉडी है इस फॉर्मूले के रेस्पेक्ट से, अगर कोई बॉडी है एम मास का और यहाँ पास उस पर एक फोर्स लगाएं, तो फोर्स लगाने से मान लीजिए बॉडी आगे बढ़ा और उसका एक्सीलरेशन आया ए, सो अगर आपको एफ निकालना है सो आप एम और ए को दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो इफ़ यू मल्टीप्लाई मास एंड एक्सीलरेशन देन वी गेट फोर्स, सो एफ इज इक्वल टू
Ma, और यहाँ पास हमें अगर SI यूनिट निकालना है, SI यूनिट ऑफ फोर्स, SI यूनिट ऑफ फोर्स, सो ये कितना हो जाएगा SI यूनिट ऑफ फोर्स, सो SI यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू, ये निकालने के लिए हमें मास का SI यूनिट और एक्सीलेशन का SI यूनिट दोनों को SI यूनिट पुट करना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वही SI यूनिट कहलाएगा फोर्स का। सो मास का SI यूनिट क्या होगा, द SI यूनिट ऑफ मास इज kg, SI यूनिट ऑफ मास जो होगा वो kg होगा, और बच गया a, तो ये क्या है, तो एक्सीलेशन है, सो एक्सीलेशन का SI यूनिट क्या हो जाएगा, सो एक्सीलेशन का SI यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि अभी हमने निकाला है। सो मास का SI यूनिट होगा kg और एक्सीलेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा सो आएगा ये kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स। अब क्या है कि ये जो इतना बड़ा टर्म है उसको शॉर्ट किया गया है न्यूटन, जो कि एक फेमस साइंटिस्ट हैं उन्हीं के रेस्पेक्ट से, तो इतना टर्म को शॉर्ट में लिखा जाता है न्यूटन, न्यूटन डेट इज उसका सिंबल होता है एन। तो यहाँ पास kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होगा उस टर्म को बोलना है न्यूटन, डेट इज न्यूटन इज इक्वल टू, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ न्यूटन, सो न्यूटन इज kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपको जब पूछा जाए कि फोर्स का SI यूनिट क्या होगा तो आपको बताना है न्यूटन। हालांकि न्यूटन जो शॉर्ट फॉर्म यूज किया जाता है किसके जगह पर, तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के जगह पर यूज किया जाता है न्यूटन, बट आपको जब बोलना है कि SI यूनिट ऑफ फोर्स व्हाट इज द SI यूनिट फोर्स, तो आपका आंसर होना चाहिए न्यूटन, एंड न्यूटन का सिंबल एन, सो SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। सो इसके बाद हम लोग एक और निकालते हैं वर्क का, सो नेक्स्ट है वर्क, सो वर्क इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क। सो यहाँ पास वर्क का सिंबल W, फोर्स का सिंबल F और डिस्प्लेसमेंट का सिंबल S लिखिए या D लिखिए, तो मान लेते हैं अभी D लेके चले हैं, सो डिस्प्लेसमेंट इज D, सो वर्क इज इक्वल टू F इंटू D। हालांकि इसका जो एग्जैक्ट फार्मूला पढ़िएगा वो, तो W इज इक्वल टू F डॉट D होता है, ऐसे वेक्टर फॉर्म में होता है, या फिर अगर इसको S के फॉर्म में लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट को तो F डॉट S होता है, सो W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा या फिर एफ एस कॉस थीटा होता है। सो चूँकि ये एग्जैक्ट इसका फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ पास चूँकि कॉस थीटा जो होता है यूनिटलेस टर्म होता है, इसलिए इसको यहाँ पर शामिल कीजिए या ना कीजिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए डायरेक्ट एफ डी भी लिखेंगे या एफ एस लिखेंगे तो वही आएगा, या फिर एफ एस कॉस थीटा भी लिखेंगे तब पर भी वही आएगा, बट एग्जैक्ट फार्मूला इज एफ एस कॉस थीटा, जिसके बारे में पढ़िएगा, बट वी टेक एज ओनली एफ एस, सो W इज इक्वल टू एफ डी या एफ एस भी, आप इसमें से कोई भी आप ले सकते हैं, एफ एस भी ले सकते हैं या एफ एस, इफ यू टेक सिंबल ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज एस। सो अगर इसका SI यूनिट निकालना है, SI यूनिट ऑफ वर्क, SI यूनिट ऑफ वर्क इज इक्वल टू, इसका SI यूनिट निकालना है तो दोनों का SI यूनिट पुट करना पड़ेगा, तो फोर्स का SI यूनिट क्या पुट करेंगे, सो फोर्स का भी SI यूनिट पुट किए हैं न्यूटन, फोर्स का SI यूनिट पुट किए हैं न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट जो कि दो पॉइंट के बीच शॉर्टेज डिस्टेंस होता है, तो डिस्प्लेसमेंट एक तरह का लेंथ है, सो उसका SI यूनिट क्या आएगा इनटू मीटर, सो फोर्स का SI यूनिट न्यूटन,
और डिस्प्लेसमेंट जिसको डी या एस लिखिए उसका साइन मीटर। सो ये आ जाएगा न्यूटन मीटर। सो ये न्यूटन मीटर आ गया साइन ऑफ वर्क। हालांकि इसका भी शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग लिखते हैं जूल, जूल। सो सिंबल इज जे। सो न्यूटन मीटर का शॉर्ट फॉर्म है जूल, जिसका सिंबल होता है जे। सो वर्क का अगर एसाइंट आपसे पूछा जाए व्हाट इज द एसाइंट ऑफ वर्क, तो आप उसका आंसर दीजिएगा जूल। बट जूल इज अ शॉर्ट फॉर्म विच इज़ यूज फॉर न्यूटन मीटर। मतलब जूल जो होता है वो किसके जगह पर यूज करते हैं, न्यूटन मीटर के जगह पर यूज करते हैं जूल। सो ये सब इम्पोर्टेंट एसआई यूनिट के बारे में आज हम आपको डिस्कस किए, और भी एसआई यूनिट है, बट आज के क्लास के लिए यहीं तक। डेट्स ऑल, थैंक यू।